अस्सलामुअलैकुम, टैलेंट न्यूज़ के साथ मैं हूं फैजान अजहर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली की 3 मखसूस नशस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले गई। मजमुई नशस्तें 32 हो गईं। 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर के लिए चौधरी अनवारुल हक, डिप्टी स्पीकर के लिए रियाज गुज्जर नामजद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टेक्नोक्रेट, उलमा और बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों की नशस्तें जीत लीं। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके जंगुताई में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्द हलाक। पाक फौज का 1 जवान शहीद, 1 जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन इलाके में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। हलाक होने वाले दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और IED धमाकों में मुलव्वस थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वर्चुअल इजलास। पोलियो पर काबू पाने के लिए चीफ सेक्रेटरीज और 22 अज़ला के डिप्टी कमिश्नर्स और मुआवनीन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर शहबाज गिल की शिरकत। मुल्क भर में पोलियो केसेस की सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। पाकिस्तान को पोलियो से निजात दिलाने के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जाएँ, वायरस से हंगामी बुनियादों पर निपटा जाए, इमरान खान की अफसरान को हिदायत। पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन का पहला रोज सरकारी और निजी दफातर में हाजिरी 50% रही। तमाम कारोबारी मराकज रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। हफ्ता और इतवार को कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। मेडिकल सर्विसेज और वैक्सीनेशन सेंटर्स 24 घंटे काम करेंगे। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग बंद, आउटडोर डाइनिंग रात 10 बजे तक होगी। इंडोर शादी की तकरीब पर मुकम्मल पाबंदी। तमाम सियाहती मुकामात को SOPs के तहत काम करने की इजाज़त होगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहें टैलेंट न्यूज़।